Hello students, welcome to Jai Bhavani Science School e-classes. I am Dr. Dhiren Jadhav and I will be teaching you the most interesting subject, biology. Although it takes thousands or millions years to create a species, prakruti ko hajaron ya lakhon saal lag jate hain ek nayi prajati banane mein, ek naya species banane ke liye. Jaise aadi manav se aaj ke zamane mein intelligent human banne ke liye hajaron saal lag gaye. हजारों साल के इवोल्यूशन के बाद आदि मानव से हम आज के इंटेलिजेंट ह्यूमन बने हैं. सो वी विल स्टडी द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट बायोलॉजी. तो हम प्रकृति के अद्भुत और सुंदर निर्माण को एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड बायोलॉजी. तो बायोलॉजी वर्ड बना कैसे है? तो बायोलॉजी जो वर्ड है उसको दो शब्दों में बांटा गया है, बायस एंड लोगस. तो बायस मीन्स लाइफ एंड लोगस मीन्स स्टडी. ये बायस और लोगस दोनों वर्ड है ना ग्रीक लैंग्वेज से है. ये ग्रीक लैंग्वेज क्या है? तो ग्रीक एक डेड लैंग्वेज है जिसकी आज की दुनिया में चलन नहीं है. अभी हम बातचीत करने के लिए या कोई भी कन्वर्जेशन में ग्रीक लैंग्वेज को यूज नहीं करते हैं. ऐसी ही एक लैंग्वेज है लैटिन. तो ये जो डेड लैंग्वेज है ना वो हम कब यूज करते हैं? जब भी कोई साइंटिफिक नोमेनक्लेचर करना हो. साइंटिफिक नोमेनक्लेचर मतलब कोई नया स्पीसीज मिला है, कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है, तो उसको नाम देने के लिए ये डेड लैंग्वेज का यूज किया जाता है ताकि पूरी दुनिया में हम एक ही नाम पे उस ऑर्गेनिज्म को पहचानने लगे. फिर आता है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी. तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इसको बायोलॉजी कहेंगे. लाइफ का स्टडी करना मतलब जीवन का स्टडी करना, या तो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स जो जीवित वस्तुएं हैं उनका स्टडी करना, इसको हम बोलेंगे बायोलॉजी. और जो पर्सन इसकी स्टडी करेगा उनको हम बोलेंगे बायोलॉजिस्ट. द पर्सन हु स्टडीज बायोलॉजी विल बी कॉल्ड एज बायोलॉजिस्ट. तो अब थोड़ी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम. तो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? एरिस्टोटल. एरिस्टोटल इज अ ग्रीक फिलोसोफर, फर्स्ट हु क्लासिफाइड लिविंग थिंग्स इनटू एयर ड्वेलर्स, वाटर ड्वेलर्स एंड लैंड ड्वेलर्स. ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ बायोलॉजी. तो ये जो एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे, एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार कोई क्लासिफिकेशन दिया. और क्लासिफिकेशन क्या था? तीन तरह का क्लासिफाई किया उन्होंने. हर एक ऑर्गेनिज्म को तीन तरह से क्लासिफाई किया कि एयर ड्वेलर्स जो हवा में उड़ने वाले हैं, सारे पंछी, बर्ड्स, ईगल, पीकॉक एटसेट्रा. और दूसरे है वाटर ड्वेलर्स, फिशेस, क्रोकोडाइल, जो पानी में रहते हैं, जो पानी में तैर सकते हैं, उनको हम वाटर ड्वेलर्स बोला. फिर तीसरे है लैंड ड्वेलर्स, मतलब लायन, टाइगर वगैरह लैंड ड्वेलर्स है जो जमीन पर रहते हैं. तो इसी तरह से पहली बार जिसने क्लासिफिकेशन दिया वो है एरिस्टोटल, और उनको कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी. और थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री हम देखेंगे. तो हम पढ़ेंगे गैलन के बारे में. तो वो वाज गैलन. तो गैलन वाज अ ग्रीक फिजिशियन, द फर्स्ट पर्सन टू डाइसेक्ट एंड लर्न अबाउट लिविंग थिंग. तो गैलन वो आदमी थे जो एक पहली बार किसी को डाइसेक्ट किया. वो पहले तो थे ही फिजिशियन, वो एक डॉक्टर थे. उन्होंने पहली बार किसी चीज को डाइसेक्ट किया, किसी बॉडी को लेकर डाइसेक्ट किया, उनको काटा और देखा उसकी संरचनाएं कैसी है. तो उसने किस चीजों को डाइसेक्ट किया था? एप्स और पिग्स को, बंदरों को और सुअरों को. उसने काट के उनको एनाटॉमी देखी, उसकी संरचना देखी, इसलिए उनको फादर ऑफ एनाटॉमी कहा गया. अब आते हैं चार्ल्स डार्विन. तो डार्विन को आप सब जानते हैं, अपने प्राइमरी क्लासेस में आप ऑलरेडी डार्विन के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ लिया है आपने. तो थियोरी ऑफ इवोल्यूशन आपको पता है ना, आपने पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ल्स डार्विन वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हु डेवलप्ड अ थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन. तो चार्ल्स डार्विन वो थे कि जिसने थियोरी ऑफ इवोल्यूशन दिया बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन. मतलब धीरे धीरे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, कोई भी चीज का कैसे इवोल्यूशन हुआ है, उसकी पूरी थियोरी दी थी, वो थे चार्ल्स डार्विन. मगर उसके जो बेस था वो क्या था? नेचुरल सिलेक्शन पे दिया. तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है? तो ये हमें आपको एक चित्र के रूप में समझाऊंगा. जैसे एक माइस का ग्रुप है जो एक काले पहाड़ी एरिया में चले गए, वो मूव कर गए अपने पुराने एरिया से नए एरिया में आ गए. तो ये माइस का जो ग्रुप है उसमें आपको दिख रहा होगा बहुत सारे टैन कलर के माइस है, और ये तीन है वो ब्लैक कलर के माइस है. तो जो टैन कलर के माइस थे ना, वो जो ऊपर ईगल उड़ रहा था वो आराम से देख सकता था इन सबको. तो धीरे धीरे सम माइस आर ईटन बाय बर्ड्स, मतलब जो ऊपर से बर्ड था उसने जो टैन कलर के माइस था उसको खा लिए. तो अब इसकी संख्या घटती गई और ब्लैक माइस की संख्या बढ़ती गई. तो अब जब बचे कौन से ज्यादा? ब्लैक माइस. तो माइस रिप्रोड्यूस गिविंग नेक्स्ट जनरेशन. उनका जो रिप्रोडक्शन हुआ उसके बाद जो नई जनरेशन आई वो कैसी आने लगी? तो जिसमें ब्लैक ज्यादा थे और टैन कम थे. अब थोड़े जो सम बेस्ट इंडियन साइंटिस्ट थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वराह मिहिरा, इनको भी आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं.
अपने प्राइमरी क्लासेस में आपने पढ़ा है वराह मिहिर कौन थे, तो ही हैड मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, मैथमेटिक एंड इकोलॉजी। तो इतने चार चार ब्रांचेस में उन्होंने अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। दूसरे है चरक, तो चरक कौन थे, तो ही इज नोन एज द फादर ऑफ एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन, जो फादर ऑफ आयुर्वेदा भी कह सकते हैं। पता है आज से 2000 से भी ज्यादा साल पहले चरक ने एक बुक लिखी थी जिनका नाम था चरक संहिता, और आज की डेट में आज भी हम उस बुक में से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। चरक की जो मेडिसिन है ना आज भी प्रैक्टिस होती है आयुर्वेद के रूप में। तीसरे है सुश्रुत, तो सुश्रुत इज फादर ऑफ सर्जरी। सुश्रुत अपने हमारे लिए आज की डेट में बहुत बड़ा प्राउड है, क्योंकि हमें गर्व होता है सुश्रुत का नाम सुनकर, क्योंकि सुश्रुत ने आज से 2,500 साल पहले सर्जरी की थी, जब उनके पास ना तो कोई शार्प नाइफ था, ना तो कोई मेटल के नाइफ या कोई इक्विपमेंट थे, तब उन्होंने जो लीव्स होते हैं ना वो शार्प लीव्स से और लकड़ी से सर्जरी की थी। और ये बात बता दूं आपको कि आंख की सर्जरी की थी, जो आज की डेट में भी करना बहुत मुश्किल है, वो सर्जरी आज से 2,500 साल पहले सुश्रुत ने की थी। तो अब हम आगे पढ़ेंगे डिविजन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी है उसको दो डिविजन में डिवाइड किया है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के साथ साथ उसमें फंगस और अलगाई भी आता है, और प्लांट्स उसका डेवलपमेंट कैसे है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं बोटनी में। और दूसरा आता है जूलॉजी, जिसमें ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लायन से लेके एलिफेंट और एनीथिंग, बैक्टीरिया वायरस से लेके सब बड़े से बड़े एनिमल उसमें आ जाते हैं। अब बोटनी के कुछ ब्रांचेस हम देखते हैं, तो पहली है डेंड्रोलॉजी। पहले तो हम पांच ही ब्रांचेस देखेंगे, बहुत सारी ब्रांचेस है बोटनी की, मगर उसमें से पांच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले हम पढ़ेंगे डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीज एंड देयर हिस्ट्री, ट्रीज की स्टडी करना और उसकी हिस्ट्री की स्टडी करना, इसको डेंड्रोलॉजी बोलेंगे। सेकंड है माइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फंगस एंड एसोसिएट्स, फंगस और उसके साथ जो एसोसिएट्स है, जैसे अलगे है तो अलगे भी माइकोलॉजी में आएगा क्योंकि वो फंगाई का एसोसिएट है। दूसरा है पैलेनोबोटनी, मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, ऐसे प्लांट जो आज के जमाने में नहीं है मगर पहले थे, उसकी अस्थियां मिली है या तो फिर उसके फॉसिल मिले हैं, वो फॉसिल को स्टडी करना कि वो प्लांट कितने बड़े थे, एक छोटा सा टुकड़ा जो हजारों सालों पहले जो प्लांट था वो उसका जो आज छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है उसमें से देखना कि वो कितना बड़ा था, कितने साल तक रहा था, इसको पैलेनोबोटनी बोलते हैं। फिर आता है फाइटोपैथोलॉजी, जैसे हम बीमार पड़ते हैं जैसे प्लांट भी बीमार पड़ते हैं, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स पैथोलॉजी, मतलब प्लांट के जो डिसीजेज है उसकी स्टडी को हम फाइटोपैथोलॉजी बोलेंगे। फिर आता है सबसे इंटरेस्टिंग पोमोलॉजी, फ्रूट सबको अच्छे लगते हैं, तो स्टडी ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट्स, तो जो पोमोलॉजी है उसमें हम फ्रूट को कैसे कल्टिवेट करेंगे, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, ये सब चीज़ें पोमोलॉजी में पढ़ेंगे। फिर आता है जूलॉजी, तो जूलॉजी के भी बहुत सारे ब्रांचेस है मगर इसमें से मैंने 7 ब्रांचेस यहाँ मेंशन की है, कि जो सबसे पहले है आर्केनोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ सिंगल क्लास ऑफ इंटरवर्टेब्रा, मतलब स्कॉर्पियो स्पाइडर वगैरह के जो होते हैं वो सब इन्वर्टेब्रेट में आते हैं। फिर आता है कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ मोलस्क, मोलस्क मतलब आपको पता होगा छीप और शंख वगैरह जो हमें दरिया किनारे पड़े मिलते हैं ना, वो सब इसमें कॉन्कोलॉजी में आएगा। फिर आता है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ एनिमल फॉर्म्स, मतलब एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है, गर्भ धारण करने के बाद गर्भ के अंदर कैसे विकास होगा, उसमें से कैसे बच्चा बड़ा होगा, इसी ये पूरा जो स्टडी हम करते हैं ना उसको एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। फिर आता है एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंट्स वगैरह की। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं ना, सांप है, लिजर्ड है, इसकी स्टडी को हम हर्पेटोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की स्टडी करने को ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे। इक्थियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, जिसको मरीन में इंटरेस्ट है वो सब इक्थियोलॉजी पढ़ते हैं। तो वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस है, मैंने कुछ ही मेंशन की थी, आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, फोरेंसिक, मतलब बहुत सारे ऐसे ब्रांचेस है जो बायोलॉजी के हम पढ़ सकते हैं। अब जो एनसीईआरटी ने हमें क्या सिलेबस दिया है वो सिलेबस हम देखेंगे। तो मैंने ब्रीफली 11th साइंस के पूरे सिलेबस को यहाँ पे दिखाया गया है। एनसीईआरटी ने सिलेबस को 5 यूनिट में डिवाइड किया है, वो यूनिट कौन से है, यूनिट 1 है जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, मतलब इसमें हम किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। दूसरा यूनिट है कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स और एनिमल के जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, जैसे प्लांट की किसी की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, वो प्लांट कैसे बना है, उसमें पत्ते कैसे है, उसमें फूल कैसा है, ये सब हम पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे सेल, सेल है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है,
सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी बॉडी का, प्लांट बॉडी हो या फिर एनिमल बॉडी हो, उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल है। उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हम पढ़ेंगे यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, एंड हाउ दे ट्रांसपोर्ट फूड टू एनर्जी, मतलब उसका फूड से एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, वो भी हम पढ़ेंगे यूनिट 4 में प्लांट फिजियोलॉजी में। सेम हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वैसे यूनिट 5 में हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब हमारा ग्रोथ कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हम कोई चीज खाते हैं तो उसका डाइजेशन कैसे होता है, वो सर्कुलेशन में कैसे पहुंचता है, और सर्कुलेशन में के बाद में हमें उसमें से एनर्जी कैसे मिलती है। तो ये सब था हमारा सिलेबस 11th साइंस का। और आगे हम पढ़ेंगे, अब आज के टॉपिक देखते हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1, तो हम पहले यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, मतलब लिविंग क्या है उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितना बड़ा है, ये हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अब चलते हैं यूनिट 1 की तरफ। तो सबसे पहले यूनिट 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि पूरी दुनिया में सजीव सृष्टि में विविधता। बायोडाइवर्सिटी इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स, बायोलॉजिकल एंड डाइवर्सिटी। इट रिफर्स टू ऑल द वैरायटी ऑफ लाइफ दैट कैन बी फाउंड ऑन अर्थ, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज वेल एज टू द कम्युनिटीज दैट दे फॉर्म एंड द हैबिटेट इन विच दे लिव। ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, बारिश वाले प्रदेश, समुद्र, नदियां, सब जगह अलग अलग जीवन देखने के में आश्चर्य लगता है। दौड़ते हुए घोड़ों की सुंदरता, झुंड में उड़ते हुए पंछी, पानी में से हवा में छलांग लगाती हुई मछलियां, ये सब देख के मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जितना हम देख सकते हैं और जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देख नहीं सकते, ये सब भी बायोडाइवर्सिटी में आएंगे। तो अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, अर्नस्ट मेयर। तो ये तो आज के जमाने के साइंटिस्ट है, हमने पहले जो जितने भी साइंटिस्ट के बारे में बात की थी वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर इनमें से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है। तो कौन थे अर्नस्ट मेयर, तो अर्नस्ट मेयर है ना वो डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है, उनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी मतलब बहुत बड़ा खिताब दे दिया गया उनको। उसकी डिटेल पढ़ते हैं कि बोर्न ऑन 5th of July 1904, 1904 में वो कैम्पटन जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। और अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी वाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब तक के 100 बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, उनमें से एक अर्नस्ट मेयर है और उनको एक बहुत बड़ा खिताब दिया गया है, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी, टॉक्सोनॉमी, जू जियोग्राफी, एवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च दिए हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है, जो हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं, पक्षियों की स्टडी करते हैं, उसको ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकरण, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन करना, मतलब उसको वर्गीकृत करना। फिर जू जियोग्राफी, कौन से प्रदेश में कौन से प्राणी रहते हैं, इनको जू जियोग्राफी कहा जाता है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन तो आपको मैंने बताया था डार्विन वाले स्लाइड में। फिर आता है सिस्टमेटिक्स, सिस्टमेटिक्स मतलब दो जीवों का इंटर रिलेशन क्या है, मतलब दो जीवों के इंटर रिलेशन क्या है, उसका हेरिडेटरी चीजें क्या है, ये सब सिस्टमेटिक्स में आता है। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी ऑफ बायोलॉजी। अब इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, इन्होंने तीन बड़े प्राइज जीते हैं बायोलॉजी में, मतलब इनको तीन बड़े प्राइज मिले हैं। वो बड़े बड़े प्राइज कौन से है, बेल्जियन प्राइज इन 1993, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। 2004 में इनकी डेथ हो गई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड लिविंग, जो बायोलॉजी जिस वर्ड पे डिपेंड है वो वर्ड है लिविंग। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक अगर इस चीज में है तो वो लिविंग है। तो वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रेस्पॉन्स। ग्रोथ क्या है, कि विकास होना, वृद्धि होना। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी नई संतान को जन्म देना, अपना रिप्रोडक्शन होना।
एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड अमाउंट ऑफ सुटेबल रिस्पॉन्स, मतलब एनवायरमेंट में कौन सी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बॉडी में से सुटेबल रिस्पॉन्स देना, जैसे गर्मी में पसीना आना, ठंड में हॉरिपिलेशन हो जाना, इसको हम एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट इन अमाउंट एंड अमाउंट सुटेबल रिस्पॉन्स कहेंगे। एंड कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब हमें जो भी यूनिक फीचर्स की बात होंगी तो ये तीन हम सबसे पहले पढ़ेंगे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सुटेबल रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। और अब आगे पढ़ेंगे, जैसे कुछ चीजें और है, कुछ और फीचर्स है, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्जेंस टू दिस लिस्ट। जैसे मेटाबॉलिज्म किस चीज में होता है वो भी लिविंग है, तो ये सब हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मेन फीचर था ग्रोथ, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ग्रोथ क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका ग्रोथ होता है, ये बात सही है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। इंक्रीज इन मास मतलब जितना मास है, जितनी साइज का मास है उस साइज में से भी बड़ा होना उसको ग्रोथ कहेंगे। और दूसरा ट्विन कैरेक्टरिस्टिक में एक और कैरेक्टर कौन सा है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब किसी भी चीज के नंबर बढ़ना। जैसे आपके अंदर ये सेल है तो ये सेल एक में से दो होगा, दो में से चार होगा, इसी को ग्रोथ बोलेंगे। जैसे सेल डिविजन इज रीजन ऑफ ग्रोथ, कहीं भी ग्रोथ हो रहा है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो उसका मेन रीजन होगा सेल डिवीजन। एक सेल में से दूसरा सेल बना, दूसरे में से तीसरा, ऐसे बढ़ते बढ़ते उसका ग्रोथ हो रहा है। इन प्लांट्स थ्रू आउट द लाइफ एंड इन एनिमल्स अप टू सर्टेन एज, ये बात हमें खास नोट करनी है कि प्लांट्स में है ना ग्रोथ पूरी लाइफ तक होता है, थ्रू आउट लाइफ उसके ग्रोथ होता है। सेल डिवीजन उसके लाइफ स्पेन जब तक है, जब तक वो डेड नहीं हो जाता, सूख नहीं जाता प्लांट, तब तक उसमें सेल डिवीजन होता रहता है। मगर एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, एनिमल्स में कुछ टाइम के बाद सेल्स ग्रो करना बंद कर देते हैं, इसलिए हमें ओल्ड एज आती है, मतलब हम बूढ़े होते हैं। अब ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग है कि नहीं, मतलब ग्रोथ जिसमें है उसको हम लिविंग बोलेंगे, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसमें एक क्वेरी डाली हुई है, इवन माउंटेन्स एंड बोल्डर्स और सैंड पार्टिकल ग्रोज, जैसे बड़े बड़े पहाड़ है उसको वो भी ग्रो करते हैं, मतलब मिट्टी में रहे हुए पत्थर भी ग्रोथ करते हैं, सैंड पार्टिकल्स रेत के पार्टिकल्स वो भी ग्रोथ करते हैं। तो हम ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर तो नहीं बोल सकते कि मतलब हर चीज का जिसका भी ग्रो हो रहा है वो लिविंग नहीं है, ये नहीं कह सकते। जैसे पत्थर भी ग्रो होता है, आपको शायद पता ही होगा कि अगर एक काली मिट्टी के अंदर उसका पत्थर रहेगा तो वो पत्थर भी कुछ टाइम के बाद जरा जरा ग्रो करेगा, बहुत ही कम अमाउंट में ग्रो करता है मगर धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अगर पत्थर भी ग्रो करने लगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी लिविंग है, तो ये इसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। फिर आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो डेफिनेशन खास याद रखना है, ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैंने बाहर से लिया है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो आपको बताते हैं। तो सेक्सुअल प्रोसेस क्या है कि सेक्सुअल प्रोसेस में मेल और फीमेल गैमेट मिलके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जाइगोट बनता है, उसमें से एम्ब्रियो बनता है, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और असेक्सुअल क्या है, जैसे अमीबा हुआ, तो अमीबा तो एक में से दो हो जाएंगे, तो उसमें कोई मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ी है, तो उसको असेक्सुअल बोलते हैं। मैंने एग्जांपल इधर एक दिया है कि जैसे ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसमें सेल डिवीजन हुआ, दो डॉटर सेल बन गए, तो इसको क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक मेल है एक फीमेल है, फीमेल में से एक एग आया और मेल में से स्पर्म आया, ये दोनों मिलके एक जाइगोट बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, इसमें से एम्ब्रियो बना, और इसमें से जो रिप्रोडक्शन हुआ उसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना उसमें जो प्रोजेनी होगा, मतलब जो मेल और फीमेल गैमेट के बाद जो नई प्रोजेनी आई है, तो ये जो प्रोजेनी है ना उसमें पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, उसमें पेरेंट्स के थोड़े बहुत फीचर्स रहेंगे। मतलब फ्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ऑल्सो, मतलब जो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल मीन्स से रिप्रोड्यूस होते हैं, जैसे फंगस और यीस्ट, हाइड्रा। जैसे फंगस में क्या होता है, फंगाई बाय स्पोरुलेशन, एक स्पोर फॉर्मेशन होता है, एक धागे की तरह एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, उसमें से पूरा फंगस फिर बन जाता है, तो इसको स्पोरुलेशन बोलते हैं।
यीस्ट एंड हाइड्रा बाय बडिंग। तो यीस्ट और हाइड्रा में बडिंग की तरह, मतलब एक छोटा सा पार्ट बाहर आएगा यीस्ट में और हाइड्रा में से, और वो पार्ट फिर नीचे गिर जाएगा और वो अलग से पूरा उसमें से यीस्ट या हाइड्रा बनेगा, तो उसको बडिंग बोलते हैं। प्लानेरिया में होता है बाय ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन क्या है कि जैसे कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है वो बीच में से कट गया, तो दोनों जो अलग अलग पार्ट में कटा है तो जो बचे हुए पार्ट है ना वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाते हैं, तो एक में से हो गया दो। Unicellular organism by increase in number of cells, that is also a sign of growth. Some organism do not reproduce. अब reproduction को भी हम defining feature बोल सकते हैं कि नहीं, तो इसमें भी query है। क्या query है? तो भाई कुछ living organism है फिर भी वो reproduction नहीं करते, जैसे sterile bees। Sterile bees क्या होती है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, वो honey bees जो होती है उसमें से बहुत सारी होती है। एक होती है queen, जो female बड़ी एक मधुमक्खी होगी queen, तो वो सिर्फ रिप्रोडक्शन करती है, बाकी सारे कुछ वर्कर बीज रहते हैं और कुछ रहते हैं प्रोटेक्टर्स। तो प्रोटेक्टर्स वो छाते में रह के छाते की रक्षा करते हैं, और जो प्रोटेक्टर्स वर्कर्स बीज रहते हैं वो स्टेराइल बीज होते हैं, वो बाहर जाके सिर्फ फूलों का रस लेके आते हैं। तो जो बाहर फूलों का रस लेने गए और आए, उनका पूरा जीवन यही काम में निकल जाता है, वो रिप्रोडक्शन करते ही नहीं। तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो वो तो लिविंग है, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा फिर भी वो लिविंग है। म्यूल्स, म्यूल्स आपको पता है कि जो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के द्वारा जो पैदा हो किया गया बच्चा है उसको म्यूल बोले जाते हैं। जो मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस किया गया जो बच्चा है, जो एनिमल है, उसको हम म्यूल बोलते हैं। तो ये भी स्टेराइल होता है, तो जो म्यूल होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता फिर भी वो जीवित है। और इनफर्टाइल कपल, मतलब कुछ ह्यूमन कपल ऐसे है, कुछ इंसान ऐसे होते हैं मतलब पति पत्नी को बच्चे नहीं होते, तो क्या वो जिंदा नहीं है? तो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि द सम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस विद इन ईच सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर वाइटल प्रोसेसेस एंड फॉर सिंथेसाइजिंग न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म फूड इनटू एनर्जी। हमने कुछ खाना खाया तो वहां से एनर्जी मिलने तक जो पूरे केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं वो सारा होता है उसको सारे को कंबाइन में हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ऑल लिविंग बींग्स मेड अप ऑफ केमिकल्स विच कॉन्स्टेंटली चेंज इनटू बायोमोलिक्यूल एंड प्रोड्यूस्ड अगेन। This is called as chemical reaction or metabolic reaction. Sum total of all chemical reaction is metabolism. तो metabolism अब defining property है या नहीं, मतलब ये metabolism को हम defining characteristic of life बोल सकते हैं कि नहीं? तो इसमें भी एक query है कि metabolism can even perform outside the body, like in test tube. मतलब कई बार हम कोई ऑर्गेनिक मैटर को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो उधर भी मेटाबॉलिज्म होगा। आपने टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सुना होगा, तो अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हमने स्पर्म और ओवम को एक टेस्ट ट्यूब में मिला के उसमें से जायगोट फॉर्मेशन किया है तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब जिंदा नहीं है। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म को भी हम डिफाइनिंग फीचर नहीं बोल सकते। हेंस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग। बहुत सारे अलग अलग सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। और आगे हम सबसे मेन चीज पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है जिसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बोल सकते हैं। कॉन्शियसनेस क्या है? जागृतता। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिम्यूलाई। तो मतलब ये जो अलग अलग हमने फीचर पढ़े, किसी एक फीचर को लेके हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते कि हाँ ये लिविंग है। ये सारे फीचर जिसमें है या तो फिर थोड़े कम है या नहीं है, इन सबको मिला के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। मगर जो कॉन्शियसनेस है ना, कॉन्शियसनेस क्या होता है कि अगर बाहर के एटमोसफियर में गर्मी है तो हमें पसीना आता है, अगर बाहर के एटमोसफियर में ठंडी है तो हमें हॉरिपिलेशन होता है, मतलब बाल खड़े हो जाते हैं। तो इसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कोई आपको आवाज दे, आपने उधर मुड़ के देखा, तो ये आपकी कॉन्शियसनेस है। तो ये कॉन्शियसनेस है, उसी को हम लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बोल सकते हैं। तो अब बाद में पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो ये हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। मतलब पृथ्वी पे 17 से 18 लाख प्रजातियां
हमें पता है, इतने स्पीसीज हमें पता है जो हम पढ़ चुके हैं, आज की डेट में अवेलेबल है, जिसका नॉलेज आपको बुक्स में इंटरनेट में मिल जाता है। आप सोचो 17 से 18 लाख, हम 17 से 18 लाख लोगों को नहीं जानते और इतने स्पीसीज अवेलेबल है दुनिया में। दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो इससे हम सोच सकते हैं कि कितने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे, जिसको हम देख भी सकते हैं, कुछ को नहीं भी देख सकते। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। जैसे जैसे हम पृथ्वी के बहुत सारे ऐसे नए नए एरिया को हम जांचते हैं, खगोलते हैं, तो नए नए ऑर्गेनिजम्स हमें उसमें से मिलते हैं। जैसे हम समुद्र के कुछ मीटर अंदर तक हम गए जा ही नहीं सकते, जब जाने लगेंगे तो और नए ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। तो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। तो ये नोमेनक्लेचर है ना, बहुत जरूरी है। जैसे नया ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको नोमेनक्लेचर देना जरूरी है, ताकि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हम उसको एक ही नाम से जाने। तो नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज द ओनली पॉसिबल when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to, this is identification। matlab nomenclature kya kabhi tabhi possible hai jab hum kisi bhi organism ko, kisi bhi creature ko hum identify kare। to usko identify karne ke liye jo process hai usko kya bolenge, identification। to ab hum aapko मैं बता दूं कि आइडेंटिफिकेशन है ना, वो बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देते हैं जो हमें ICBN और ICZN देता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि अब आम को पहचानने के लिए उसके कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक को हमें देखना पड़ेगा कि भाई आम क्या चीज होती है। तो आम के कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, जैसे उसकी जो ऊपर की स्किन है वो थिन रहेगी, फिर उसमें पल्प आएगा, फिर वो हार्ड आएगा और सबसे अंदर है जो हार्ड वाला कर्नल आएगा, और उसके सबसे अंदर है वो कोर है वो सेमी सॉफ्ट है। तो इसे हम आइडेंटिफिकेशन फीचर्स बोलते हैं। तो ये सब रेगुलेट कौन करता है, मतलब पूरी दुनिया में अगर हमें हर एक चीज को एक पर्टिकुलर नेम देना है कि जो पूरी दुनिया में चलता है, पूरी दुनिया में एक ही नाम से जाना जाता है, तो उसको कोई तो रेगुलेट करना चाहिए ना। कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो ये सबको संभाल के रखे कि भाई इंडिया में आम है या साउथ अफ्रीका में आम है। तो आम का नाम हर जगह सेम होना चाहिए। तो उसके लिए दो रेगुलेशन अथॉरिटी है, जो है कौन सी है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN क्या है कि ये जो जितने भी बोटनिकल नोमेनक्लेचर है, मतलब कोई भी बोटनिकल नाम देना है, तो इसको रेगुलेट करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन, ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक होगा तो ये ग्रुप में आएगा, कौन से कैरेक्टरिस्टिक होगा तो इसको ये नाम मिलेगा, ये सब कौन रेगुलेट करता है, ICBN। और ICZN क्या है कि जो जूलॉजिकल कोई भी नोमेनक्लेचर देना है, जैसे कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो नए ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक की जरूरत है, तो वो सब जो रेगुलेशन है ना, उसको कैसे नाम देंगे, वो नाम कहाँ पे तक सीमित रहेगा, वो नाम हम अवेलेबल है कि नहीं, ये सब रेगुलेशन कौन करता है, ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये जो एग्जाम पर्पज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों वर्ड्स है, ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अब आगे बढ़ते हैं, बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principles to provide scientific names to know organisms। तो biologist है ना, वो universally accepted जो principles होते हैं ना किसी organism का नाम देने के लिए, universally accepted principles मतलब यहाँ पे जो principle use होते हैं किसी को नाम देने के लिए, जो नियम कानून use होते हैं, वही use अमेरिका में होते हैं। तो जो universally followed होते हैं, जो universally accepted principles होते हैं, उसी को biologist ने follow करके organisms के नाम दिए हैं। Each name has टू कॉम्पोनेंट्स, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब हर एक किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर हर एक किसी प्लांट को दो नाम दिए जाते हैं, टू पार्ट में टू कॉम्पोनेंट्स होते हैं उसके, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी चीज को दो नाम एक साथ देना, मतलब उसको दो डिवाइडेड दो नाम अलग अलग देना है, जैसे मेंजिफेरा इंडिका। तो मेंजिफेरा इंडिका है ना, वो आम मैंगो का लैटिन नेम है। तो मेंजिफेरा और इंडिका, ये इसको नाम दिया है। तो जो मेंजिफेरा है वो जीनस है और इंडिका है वो स्पीसीज है।
this system of providing a name with two component is called as binomial nomenclature. This naming system given by Carolus Linnaeus. ये Carolus Linnaeus है ना, हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जिन्होंने binomial nomenclature दिया है, is being practiced by biologists all over the world. तो ये था हमारा आज का क्लास. बस इतने क्लास के बाद हम समाप्त करेंगे और आपने मैं आपको ब्रीफिंग बता दूं आज हमने क्या क्या पढ़ा है. तो आज हमने पहले तो पढ़ा बायोलॉजी क्या है, वर्ड बायोलॉजी क्या है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है. फिर हमने थोड़े थोड़े हिस्ट्री देखी कि हिस्ट्री में कौन से बड़े साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट वगैरह हो गए. हमने थोड़े इंडियन साइंटिस्ट को देखा. उसके बाद हमने हमारा सिलेबस देखा, सिलेबस में से यूनिट वन का जो ब्रीफिंग देखा. उसके बाद हमने जो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के एक खाली कुछ एग्जाम्पल देखे. और यहाँ पे हमारा क्लास आज खत्म होता है.